हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बिहार का फेमस घुघनी बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है। ये काले चने या ब्राउन चने से बनाया जाता है और ये प्रोटीन से भरपूर होता है। आप इसे नाश्ते में इजीली ले सकते हैं या आप डाइट पर भी है तो आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। घुघनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप ब्राउन चना लिया है और चने को मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और चना फूल के अपने साइज से डबल हो गया है। और यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। घुघनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। कढ़ाई में 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। सरसों के तेल से घुघनी में अच्छा फ्लेवर आता है। आपको अगर नहीं पसंद है सरसों का तेल तो आप कोई और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल में 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालकर जीरे को क्रैक होने देंगे और इसमें 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। 1 तेज पत्ता को तोड़कर डालेंगे और अब स्लाइसेस में कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज डाल के गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इसे इस तरह चलाते हुए मिला लेंगे या भून लेंगे। प्याज को भूनते हुए 30 सेकंड हो गए हैं और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालकर हम इसे भी चलाते हुए 20 सेकंड के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें भिगोए चने ऐड करेंगे या डालेंगे। चना डालकर हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे। घुघनी बनाने के लिए प्याज को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। प्याज को हमें चना ऐड करके चने के साथ ही पकाना है, जिससे चना में मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और घुघनी हमारा बिल्कुल बाजार जैसा टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार या 1 चम्मच नमक डालेंगे। मसाले डालकर चने के साथ मसालों को हम अच्छी तरह 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही मिलाते हुए भून लेंगे। चने को मसालों के साथ भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और अब हम इसमें 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी चने के साथ मिला लेंगे। चने हमारे अच्छी तरह से मसालों के साथ भुन गए हैं और अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम चने को अच्छी तरह मिलाते हुए भून लेंगे, जिससे मसाले हमारे जले ना। पानी डालकर चने को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिए हैं और अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम चने को चेक कर लेंगे। ये देखिए, चने का पानी सूख गया है और अब हम चने को चम्मच से अच्छी तरह मिला लेंगे। चने को मिलाते हुए हम चेक कर लेंगे और ये देखिए, चना हमारा अभी पका नहीं है और चने को हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह मिलाते हुए 1 मिनट के लिए और भून लेंगे, जिससे चने का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। अब हम चने में 1 कटोरी या 1 कप पानी डालेंगे। पानी डालकर हम चने को फिर से मिला लेंगे। पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे चने में उबाल आने देंगे। चने अच्छे से पके इसके लिए हम 1 कटोरी और पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने चने को पकाने के लिए टोटल 2.5 कटोरी पानी का यूज़ किया है और पानी ऐड करके हम इसे मिला लेंगे और हाई फ्लेम पे 1 उबाल आने देंगे। और ये देखिए, चने में उबाल आ रहा है और इस टाइम पे हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे मिनिमम 15 मिनट या 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट हो गया है, हम इसे चेक कर लेंगे
और ये देखिए चने में बहुत ही अच्छा शाइन भी आ गया है और चने का कलर भी चेंज हो गया है। हम इसे चम्मच से एक बार फिर से मिला लेंगे। इस तरह लाल चने का घुघनी आप घर पे बनाएंगे तो सभी चिकन खाना भूल जाएंगे। घुघनी प्रोटीन से भरपूर होता है और ये हेल्दी भी होता है, तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। घुघनी हमारा अच्छी तरह से पक गया है और अब हम इसे चम्मच पे ले करके इस तरह हाथ से दबा करके चेक कर लेंगे कि चना हमारे अच्छे से पके हैं कि नहीं। और ये देखिए चने हमारे अच्छे से पक गए हैं। घुघनी बनाने के लिए हमारा चना बिल्कुल परफेक्ट पका है, हमें चने को इतना ही पकाना है। घुघनी बनाने के लिए हमें चने को 90% ही कुक करना होता है, इससे ज़्यादा अगर आप कुक करेंगे तो वो घुघनी नहीं चने का सब्जी का फ्लेवर आता है। घुघनी को इस तरह मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हम इसका बचा हुआ पानी भी सूखने देंगे। घुघनी का फ्लेवर और बढ़ाने और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर या इमली का पल्प डाल सकते हैं। नींबू का रस डालकर घुघनी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। परफेक्ट मार्केट या बाजार जैसा अगर आपको घुघनी खाना है तो आप घुघनी को घर में इस तरह कढ़ाई में ही बनाएं, कुकर का यूज़ ना करें, नहीं तो घुघनी में फ्लेवर आपका बाजार जैसा नहीं आएगा। और अब हम घुघनी को मूढ़ी के ऊपर सर्व कर लेते हैं। आप घुघनी को मूढ़ी के साथ या फ्राई चूड़े के साथ या आपको ऐसे ही खाने का मन हो तो आप ऐसे ही खाएं, ये सभी के साथ बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट होता है। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और इस तरह काले चने का बना घुघनी आप घर पे एक बार ज़रूर बना के देखें, बच्चे हो या बड़े सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे।